तो यहाँ पे GIS ग्रुप का भी है एजुकेशनल, तो GIS ग्रुप इज वेरी फेमस फॉर प्लेसमेंट. सो इन माय इंस्टीट्यूट दैट इज इन ग्रेटर कोलकाता दैट इज प्लेसमेंट इज अराउंड 80-85%. बिहार से आते हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो लोन का क्या क्या प्रोसीड्यूर है अगर आप लोग थोड़ा ही डिटेल में बता दो. देखिए हम लोगों का जो GIS ग्रुप का जो हेल्प फॉर कंप्यूटर साइंस फॉर डेटा साइंस एंड ऑल दोस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर ऑल्सो इन हाई डिमांड. हेलो एंड वेलकम बैक टू एडीएम पाथ यूट्यूब चैनल. तो आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, ये भी कॉलेज कोलकाता का सबसे ही फेमस कॉलेज है, जिसका कॉलेज का नाम है GIS ग्रुप कॉलेज. तो इस कॉलेज के मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, रिलेटेड टू हाईएस्ट पैकेज के ऊपर बात करूंगा, प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करूंगा, और इस कॉलेज में कितना कितना टाइप के कोर्सेज है, जो कि ये वीडियो अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो. इस वीडियो को आप लोग पूरा ही लास्ट तक देखें, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने जो पूरा ही डिटेल बताया है ना, जो कि आज तक यूट्यूब चैनल पर नहीं है. तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. तो यहाँ पे GIS ग्रुप का भी है एजुकेशनल, तो कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पे आप लोग क्राउड भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ही कॉलेज है, तो मतलब अच्छा लगता है. और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज वगैरह है ना, आप लोग स्टॉल में भी जा करके देख सकते हो. तो यहाँ पे जैसा कि दिख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप लोग कोर्स वाला डिटेल भी देख सकते हो. तो अभी हम लोग GIS ग्रुप के स्टॉल पे है, तो यहाँ पे कुछ टीचर से भी और कुछ फैकल्टी लोगों से भी मैं बात करूँगा. तो यहाँ पे हमारे साथ फैकल्टी है, तो सबसे पहले मैम अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दें कॉलेज के बारे में. Okay, I am principal of Greater Kolkata College of Engineering and Management. This is a higher education institute under the aegis of GIS Group, which is the largest educational conglomerate in Eastern India. तो मैम बहुत सारे मतलब स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है ना कि प्लेसमेंट से रिलेटेड प्लेसमेंट क्या, इस कॉलेज का क्या है हाईएस्ट प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट, कुछ अगर ऐसे बता सको तो. In my institute, actually, as we are under GIS Group, we are under the GIS Group placement, and you know GIS Group is very famous for placement. So in my institute, that is in Greater Kolkata, that is placement is around 80-85%. और मैम एक चीज ये भी है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी रहता है डाउट कि स्कॉलरशिप क्या ये कॉलेज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है. या In my institute, there are mostly 65% students are under scholarship, under different government scholarship, and beside this, there is central. This is state government, and there is also central government scholarship and student credit card. और मैम कौन-कौन सा courses available है? अगर थोड़ा मतलब average में भी आप बता सको top courses सब. This is very known to all of us that now there is a demand for computer science, for data science and all those electrical, electronics, they are also in high demand. In my opinion, civil, mechanical, that will be also in demand in near future. So, and one point is very important, if I can excel in my education, then stream will not matter. मैम मेनली ये भी ना होता है कि मैम ना कि स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पे भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है. तो मैम ये भी है, अगर ये कॉलेज में अगर किसी को आना है तो वो कैसे आ सकता है, थोड़ा सा अगर एड्रेस भी मेंशन कर दो. हम लोगों का जो कॉलेज है वो तो साउथ 24 परगना में है, तो द नियरेस्ट रेल स्टेशन, रेलवे रूट इज कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स और हूएवर वांट्स टू कम. The nearest station is South Baruipur station, and from there by auto they can come to by Canning Road, and the nearest landmark is Fultola. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना मैम जो कि बिहार से आते हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो लोन का क्या क्या प्रोसीड्यूर है अगर आप लोग थोड़ा ही डिटेल में बता दो. देखिए हम लोगों का जो GIS ग्रुप का जो हेल्पलाइन नंबर होता है, अगर उसमें कोई भी फ़ोन नंबर देख के कॉल करना, ये तो कोई मुश्किल का बात नहीं है. अगर ये जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है GIS ग्रुप में का वेबसाइट में, अगर इसमें फ़ोन करे तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. ये वेरी इजी, द इजीएस्ट स्टेप व्हाट आई एम टेलिंग दैट इज यू गो टू द वेबसाइट में जाइए, फोन नंबर देखिए और फोन कीजिए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. थैंक यू मैम, जो कि मैम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैम बहुत ही कोऑपरेट की, तो थैंक यू मैम.